आप देख रहे हैं CN24। ओवरवेट व अनफिट पुलिस कर्मियों को फिट रखने के लिए एडीजी जोन ने दिए टिप। पुलिस कर्मियों को इवनिंग पैदल मार्च करने के साथ ही खान पान का ध्यान रखने का दिया निर्देश। अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार के कार्यप्रणाली को लेकर पुलिस महकमा काफी सतर्क रहता है। गोरखपुर जोन का पदभार ग्रहण करते ही एडीजी ने आम जनमानस से संवाद स्थापित करने के लिए इवनिंग वॉक शुरू किया, तो वहीं ओवरवेट एवं अनफिट पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठक करके उन्हें फिट रखने का मंत्र दिया। बैठक में चिकित्सकों को भी एडीजी ने बुलाया था, जिससे कि पुलिस के खान पान व दिनचर्या में कैसे बदलाव करके शरीर को फिट रखा जाए, इस पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सके। अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार पुलिस कर्मियों को फिट रखने के लिए शाम को पुलिस लाइन से महादेव झारखंडी तक पैदल गश्त करके आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया, तो वहीं पुलिस कर्मियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए शाम को इवनिंग वॉक करके उनकी एक्सरसाइज भी कराई। एडीजी जोन के साथ एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट सुमित शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में अनफिट पुलिसकर्मी पैदल गश्त करते हुए महादेव झारखंडी पहुंचे। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों की दिनचर्या ठीक ना होने की वजह से ओवरवेट होते जा रहे हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां शरीर में होने लग रही हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव रखने के लिए ओवरवेट पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए उन्हें कुछ सुझाव दिए गए हैं। वह अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हुए अपनी ड्यूटी को करें, जिसको लेकर आज उनके साथ बैठक करके उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई है। कुछ पुलिसकर्मियों ने खान पान व अनियमित ड्यूटी की बात बताई है, उनके ड्यूटी को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। फिटनेस का और स्वस्थ जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा कार्य कर सकेंगे, परिवार का देखभाल अच्छा कर सकते हैं, विभाग की एफिशिएंसी ज़्यादा रह सकती है। परंतु आपने देखा होगा कि खास करके पुलिस विभाग में बहुत ही अनियमित ड्यूटी आवर्स हैं। खाने का कुछ पता नहीं, सोने का कुछ पता नहीं, परिवार नहीं रहता है, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और उनमें से एक प्रमुख कारण है कि वेट बढ़ रहा है, लोगों का ओबीज हो रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है। तो वो एक इंटरेक्शन सेशन रखा गया था कर्मचारियों से कि ये क्यों हो रहा है, और इस कारण को समझने का प्रयास किया गया था और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। अच्छा सेशन रहा, हमारे पास डॉक्टर्स आए थे लोकल, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी पेशेंटली सुना। और ये कुछ चीज़ें हमने तय की हैं जिससे जो हमारे ओवरवेट हैं, स्टाफ हैं, उनमें सुधार हो। शुरू में तो उनको डर लगा कि शायद कोई कार्रवाई होने वाली है, वो कतई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि क्या हम सुधारात्मक कदम लाएं विभाग में, जिससे इन लोगों पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनका स्वास्थ्य अच्छा और विभाग को बेटर कंट्रीब्यूट कर सके। तो कुछ निर्णय ये लिए गए हैं। प्रथम निर्णय, हमने सारे इनके बड़े अनियमित ड्यूटीज़ पाई और इनको हमने सिर्फ सुबह 4 से 5 घंटे और शाम के 4 से 5 घंटे ये सिर्फ गश्त ड्यूटी करेंगे, ताकि ये एक रात को एक नियमित रूप से सो सकें, सुबह आधा घंटा योगा कर सकें। और गश्त कराने का उद्देश्य ये है कि ये वॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो एक तो वॉक करने लगेंगे उन सुबह शाम, ऑटोमेटिक जो इनके सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा। दूसरा, ड्यूटी अनियमित थी वो नियमित हो गई है, एक नियमित इनको भी मालूम है कि ड्यूटी आवर्स है, तो एक समय पे सोएंगे, एक समय पे खाना खाएंगे। तो इस कार्यक्रम को हमें एसपी लाइंस, इनके नोडल ऑफिसर बने हैं, एएसपी लाइंस जो हैं वो दोनों नोडल रहेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ऐसे लोगों को, इनको कोई परेशानी होगी ड्यूटीज़ में तो वो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस प्रयास के जरिए हमारा ये रहेगा कि इवनिंग पेट्रोल में इनका खास करके यूज़ होगा, और ये इवनिंग पेट्रोल करेंगे, अपने आप 5 से 8 किलोमीटर चलेंगे। मेरा मानना है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को आगे 3-4 महीने करें तो ये सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे और बेहतर ढंग से विभाग को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बहरहाल एडीजी जोन की कार्यप्रणाली को लेकर पुलिस महकमा काफ़ी सतर्क है। एडीजी जोन का भ्रमण कभी भी कहीं पर हो सकता है, वह आम जनमानस के बीच पहुंचकर सुरक्षा का एहसास भी करा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को फिट रखते हुए अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं।